इस वक्त मैं कोरकबल के नज़दीक हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पीछे ये जो एवलांच आया हुआ है इस नाले से, ये कोरकबल गांव के साथ साथ ही है। यहाँ पर जो लिंक रोड कोरकबल का है ये तो ब्लॉक हुआ है। आप देख रहे हो मेरे पीछे और नीचे तक जो है यहाँ पर ये कवर किया हुआ है इस एवलांच ने, वो रोड ब्लॉक है। जो पिछली बर्फबारी हुई थी कुछ दिन पहले, वो हैवी स्नोफॉल की वजह से यहाँ पर जो एवलांच है, तीसरा एवलांच है कंजलवन से लेकर कोरकबल तक। एक एवलांच तो कंजलवन से 1 किलोमीटर आगे जो कंजलवन टू बांडीपोरा के लिए रोड जाता है वहाँ पर आया हुआ है, और दूसरा उससे आगे है, और तीसरा ये जो एवलांच है ये लिंक रोड कोरकबल के ऊपर आया हुआ है। यहाँ पर रोड ब्लॉक है कुछ दिनों से, ये गांव जो है ये कटअप है कंजलवन से। तो यहाँ पर जो भी पेशेंट है, जैसे कि कल परसों एक लड़का यहाँ पर बीमार हुआ था, उसको लोगों ने यहाँ से उठाकर बकतौर तक तकरीबन तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर है, यहाँ से पैदल उठाकर लोगों ने उसको हॉस्पिटल तक लिया था। हो सके तो मैं SDM ग्रेज और मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां पर मशीनरी भेजकर ये रोड को क्लियर किया जाए, वरना यहां पर कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमें बीमार होता है या कोई हादसा होने पर हम टाइम पर यहां नहीं पहुंचेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा, हम कंजलवन से निकले यहाँ पर, यहाँ तक हमें 2 घंटे लगे तकरीबन। अगर इस हालात में कोई पेशेंट होगा उसको यहाँ से बकतौर लेने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे। धन्यवाद।